हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस इनसाइट। तो एसएस से एमटीएस 2020 के एग्जाम डेट्स को लेकर कुछ एस्पिरेंट्स के मन में कंफ्यूजन है, क्योंकि एसएस का जो ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें लिखा था कि आपका एग्जाम 5th अक्टूबर से 20th अक्टूबर तक होगा, बट कुछ एस्पिरेंट्स का जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसमें जो एग्जाम डेट दिख रहा है वो 20th अक्टूबर के बाद में है, जैसे कि 27th अक्टूबर में भी उसका एग्जाम है। इनफैक्ट 2nd नवंबर भी कुछ एस्पिरेंट्स का एग्जाम डेट्स आ चुका है, तो उसको लेकर ही वो लोग थोड़ा सा परेशान है कि क्या हो गया कि उनका डेट्स 20 अक्टूबर के बाद में आया है। तो परेशान की कोई बात नहीं है, क्या होता है कि जब एसएससी शेड्यूल डिक्लेयर करता है वो एक टेंटेटिव डेट्स रहता है, ठीक है। उसके बाद जब हर एक कैंडिडेट्स का टाइमिंग एंड शिफ्ट सब कुछ डिसाइड होता है तो उसमें थोड़ा सा डेट्स इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, आपका एग्जाम 5th अक्टूबर से ही शुरू हो रहा है बट जो खत्म हो रहा है वो 20th अक्टूबर में खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट डेट अभी तक 2nd नवंबर को दिख रहा है, ठीक है। तो अदर्स जो रीजन है वहाँ पे अभी तक एप्लीकेशन स्टेटस नहीं आया है, तो वहाँ पे भी देखते हैं कि वहाँ का क्या डेट्स रहता है, बट अभी तक जो लास्ट डेट आया है वो 2nd नवंबर तक है, ठीक है। तो इसको लेकर घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। हो सकता है कि बीच में फेस्टिवल्स वगैरह है इसलिए डेट थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। तो इसलिए लास्ट डेट अभी तक जो दिख रहा है वो 2nd नवंबर का है, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं और एक कंफ्यूजन में कि कुछ एप्लीकेंट्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है, मतलब उनका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वहाँ पे रिजेक्टेड दिख रहा है, एंड उसके पास में आपका रीजन फॉर रिजेक्शन में भी आपका रीजन लिखा हुआ है कि क्यों आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। तो उनका मन में एक आस है, एक ऐसा होप है कि किसी भी तरह से उनका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके, मतलब जिससे वो एग्जाम दे सके, बट अनफॉर्चुनेटली इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी गो थ्रू किया गया है एंड उसके बाद ही आपका स्टेटस रिजेक्टेड ऑलरेडी आ चुका है, तो इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन के वजह से। जो मोस्टली रीजंस देखा जाता है वो एक है फोटो विदाउट डेट एंड और एक है मल्टीपल रिजेक्शंस। देखिए, ऐसा हो सकता है कि पहले भी आपने बहुत बार फॉर्म फिलअप किया है बट उसके बावजूद आपको जब भी आपका एसएससी का फॉर्म फिल करना है आपको एक बार नोटिफिकेशन गो थ्रू करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा आजकल बहुत सारा नया नया रूल्स इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। फोटो विदाउट डेट की वजह से जिन्होंने रिजेक्शन फेस किया है बहुत ही दुख की बात है, बट इसको लेकर नोटिफिकेशन में एकदम बोल्ड में लिखा हुआ था कि आपको फोटो विथ डेट ही डालना है, ठीक है, एंड वो भी डेट 3 महीने के अंदर होना चाहिए, इसको लेकर एकदम डिटेल में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब इस वजह से जो लोग रिजेक्शन फेस कर रहे हो उनका कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए जब भी आप फॉर्म फिलअप करो अच्छे से सभी कुछ पढ़ के ही फॉर्म फिलअप करना, ठीक है, उसमें टाइम लगे तो लगने दो, ठीक है। तो ये रहा फोटो विदाउट डेट की प्रॉब्लम। एंड जो मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ लोग करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया बट उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, जैसे कि रोल नंबर आपने गलत लिख दिया, तो उसके लिए आप क्या करते हो दूसरे एक फॉर्म फिल करते हो और एक रजिस्ट्रेशन आईडी बना के, मतलब और एक कोई भी ईमेल आईडी और फोन नंबर देके आप एक रजिस्ट्रेशन करते हो और उसके बाद आप फॉर्म फिल करते हो। बट क्या होता है कि आपका जब एप्लीकेशन गो थ्रू होता है वो कुछ बेसिस पे गो थ्रू होता है, जैसे कि आपका नेम, आपका पेरेंट्स का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इसके ऊपर बेस करके आपका एप्लीकेशन गो थ्रू होता है। अब अगर आप कोई और जीमेल आईडी और कोई भी अलग फोन नंबर से आप रजिस्टर करते हो बट आपका नाम या पेरेंट्स का नाम या डेट ऑफ बर्थ तो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए आप जो 2nd वाला एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो वहां पे सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी सेम ही नेम का, सेम ही पेरेंट्स, सेम ही डेट ऑफ बर्थ का जैसे और एक बंदा ऑलरेडी है, तो इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि हमने तो और एक अलग से जीमेल आईडी फोन नंबर यूज करके किया है तो हमारा क्यों एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, बट वो लोग ये जज नहीं करते, वो लोग इससे गो थ्रू करते हैं कि आपका नेम, पेरेंट्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से वो लोग जज करते हैं। इस वजह से मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनके लिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी बात है, क्योंकि एक तो बहुत कम ही ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलता है, ठीक है, क्योंकि एक तो एग्जाम इतना डिले हो रहा है, एक तो कोविड के वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद एग्जाम भी डिले ही होता है, ठीक है। तो ऐसे तो आपको एक साल में एक ही बार आपका अपॉर्चुनिटीज आता है, उसमें भी अगर ऐसे कुछ आपका फेस करना पड़े तो ये बहुत ही दुख की बात है, ठीक है। तो इसलिए जिससे कि आप कभी भी आपका ये अपॉर्चुनिटीज ना खो, इसलिए आपको बहुत ध्यान से आपका फॉर्म फिल करना
होगा नेक्स्ट टाइम से, ध्यान रखिए, दिल छोटा मत करना, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए क्योंकि आप तो नेक्स्ट टाइम लगा ही लोगे सिलेक्शन, ठीक है। तो चलिए सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।